स्टूडेंट्स, कल हमने लास्ट में जो टॉपिक पढ़ा था वो देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन हमने शुरू किया था। उसमें ये भी देखा था चेन कंपाउंड्स कैसे रहेंगे, रिंग कंपाउंड्स कैसे रहेंगे। ठीक है, चेन कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक को हमने बोला था सैचुरेटेड एंड सेकंड को हमने बोला था अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, या तो जिस मॉलिक्यूल में कार्बन सभी के सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाता है उसको हमने बोला था सैचुरेटेड। तो दूसरा होता है जिसमें कार्बन जो रहेगा वो डबल बॉन्ड बनाएगा या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। एक वो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो हमने उसको बोला था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो नॉर्मली हम कार्बन को यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो रहेगा वो रहेगा एल्केन। इस एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था CnH2n+2। उसके बाद हमने शुरू किया था एल्कीन। एल्कीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था CnH2n, और उसके बाद हमने देखा था एल्काइन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Cn2n-2। तो ये तीन मेन हाइड्रोकार्बन है जिनके बारे में हमको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो ये तीन के बारे में हमको ज्यादा पढ़ना है अब। ठीक है, ओके, बाकी का भी हम लोग देखेंगे, पहले इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए अब सपोज मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास मॉलिक्यूल है C4H8। तो हम इसको एल्केन बोले, एल्कीन बोले कि एल्काइन बोलेंगे वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे कार्बन कितने हैं? चार। तो यहाँ का N का वैल्यू जो रहेगा वो कितना हो गया? 4। एल्केन में जितने कार्बन होते हैं उसके डबल प्लस टू हाइड्रोजन होते हैं, एल्कीन में जितने कार्बन होते हैं उसके डबल हाइड्रोजन होते हैं, और एल्काइन में जितने कार्बन होते हैं उसके डबल माइनस टू हाइड्रोजन होते हैं। तो यहां से हमको पता चलेगा ये एल्केन होगा, एल्कीन होगा कि एल्काइन होगा। तो ये होना चाहिए एल्कीन। क्या होना चाहिए? एल्कीन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? चार। तो चार कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे ब्यू। यहाँ पे जो लिखा हुआ ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स डिपेंड करता है कि हमारे पास कार्बन एटम कितने हैं। इफ कार्बन एक रहेगा तो उसको बोलेंगे मिथ, दो कार्बन के लिए बोलेंगे इथ, तीन कार्बन के लिए बोलेंगे प्रोप, चार कार्बन के लिए बोलेंगे ब्यूट। ऐसे इन प्रीफिक्स को हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम चार है, और चार कार्बन होने की वजह से यहाँ पे प्रीफिक्स लगेगा ब्यू। क्या लगेगा? ब्यू। इफ ये एल्केन होता है, एल्केन होता है तो एंडिंग में लगेगा एएनई, एल्कीन रहेगा तो ईएनई, और अल्काइन रहेगा तो वाईएनई। तो एएनई यूज करना है, ईएनई यूज करना है कि वाईएनई यूज करना है, ये हमको यहां से पता चलेगा। तो इसका नाम जो रहेगा वो होना चाहिए ब्यूटीन। इसका नाम क्या रहेगा? ब्यूटीन। समझा नहीं समझा? तो इस प्रकार से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम यहां लेते हैं C6H10। हमने यहां पे लिया है C6 और H10। क्या होगा? जितने कार्बन है उसके डबल कर दो। कार्बन कितने हैं? 6। 6 के डबल कितने हो गए? 12। 12 माइनस 2 10। इसका मतलब ये जो रहेगा ये क्या होना चाहिए? YNE आना चाहिए। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है तो इसके सामने लगना चाहिए हेक्स। तो इसका नाम जो रहेगा वो रहेगा हेक्स YNE। तो इसका नाम रहेगा हेक्साइन। इसका नाम क्या रहेगा? हेक्साइन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका नाम नॉमेनक्लेचर यहां पे कर दिया है हेक्साइन। नंबर 3, आई एम राइटिंग हियर C2 and H6। I am writing here C2NH6। Simply identify कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैं। पहले कार्बन को देखो, कार्बन से डबल जितने कार्बन है उसको डबल कर दो। जितने कार्बन है उसके डबल करने के बाद
उतने ही हाइड्रोजन है तो एल्किन, उससे दो हाइड्रोजन ज्यादा है तो एल्केन, और उससे दो हाइड्रोजन कम है तो एल्किन। क्या बोला मैंने? पहली बार कार्बन जितने हैं उसको डबल कर दो, डबल करने के बाद उतने ही हाइड्रोजन है तो एल्किन, उससे दो हाइड्रोजन ज्यादा है तो एल्केन, और उससे दो हाइड्रोजन कम रहेंगे तो वो रहेगा एल्काइन। इसमें कार्बन दो है, दो को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा फोर, फोर प्लस टू सिक्स, इसका मतलब ये होना चाहिए एल्केन, तो इसका नाम रहेगा इथेन, इसका नाम रहेगा इथेन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो नॉमेनक्लेचर करने के टाइम पे ये सब कुछ हमारे काम में आएगा। ओके चलो ठीक है। अब मैंने आपको पूछा क्या इसके पास कोई वैकेंसी रहेगी, इसमें कार्बन के पास वैकेंसी है कि नहीं है? नहीं है। क्या इसके पास कार्बन के पास वैकेंसी है? नो। क्या इसके पास कार्बन के पास वैकेंसी है? नो। तो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हम देख रहे हैं उनमें कार्बन के पास किसी प्रकार का कोई भी वैकेंसी नहीं है। अब ये जो तीन नेम्स यहाँ पे दिए हैं, पहला कौन सा है? एल्केन, वैकेंसी नहीं है इसीलिए वो स्टेबल है। ठीक है, वैकेंसी नहीं है इसीलिए वो स्टेबल है, और स्टेबल है और इसीलिए वो किसी के साथ जॉइंट नहीं होंगे। जब उनके पास वैकेंसी होगी तो वो अनस्टेबल रहेंगे, और वो अनस्टेबल है इसीलिए वो दूसरों के साथ बॉन्ड बनाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिनके पास वैकेंसी है वो अनस्टेबल है तो वो उस वैकेंसी को पूरा करने के लिए किसी और के साथ बॉन्ड्स बनाएंगे। इफ उनके पास कोई वैकेंसी नहीं है तो वो स्टेबल रहेंगे। अभी हमने जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे वो सभी के सभी स्टेबल थे, सभी के सभी कैसे थे? स्टेबल। ठीक है, अब नंबर वन, हमारे पास एल्केन है। क्या है? एल्केन। जब ये एल्केन एक हाइड्रोजन लूज करेगा, एक हाइड्रोजन लूज करेगा तो इसके पास वैकेंसी कितने रहेंगे? जब ये एल्केन एक हाइड्रोजन लूज करेगा तो इसके पास वैकेंसी कितने रहेगी? वन। और जब इसके पास वैकेंसी वन रहेगी तो उसमें क्या होता है, उस वन वैकेंसी वाले को बनाने के लिए इस एल्केन में से हम AnE को निकालते हैं, AnE को निकालते हैं, इसका मतलब होता है माइनस किया, और यहाँ पे हम लगाते हैं YL। तो किसको निकालना है? AnE को निकालना है और वहां पे हमको YL लगाना है। क्या लगाना है? YL। तो इसका जो नाम रहेगा ये बन जाएगा अल्काइल, नाम क्या बनेगा? अल्काइल। ठीक है, तो जो एल्केन होता है जब इस एल्केन के पास कोई वैकेंसी होती है तो उसको हम बोलेंगे एल्काइल। एल्काइल के पास वैकेंसी होगी, एल्केन के पास वैकेंसी नहीं होगी। जिसके पास वैकेंसी होगी वो अनस्टेबल होगा, जिसके पास वैकेंसी नहीं है वो स्टेबल होगा। तो ये अनस्टेबल जो रहेगा वो इसके थ्रू बॉन्ड बनाएगा। तो इस अल्काइल ग्रुप के पास एक वैकेंसी है, अल्काइल ग्रुप के पास एक वैकेंसी है। तो एल्केन से अल्काइल बनाने के लिए एक हाइड्रोजन लूज किया, साथ में AnE को लूज किया और वहां पे YL को लगा दिया। ऐसा ही जब एल्कीन के साथ होता है, इसके साथ एल्कीन के साथ, एल्कीन जब एक हाइड्रोजन लूज करता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम E को रिमूव करेंगे और वहां पे YL लगाएंगे। क्या लगाएंगे? YL। समझा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये एल्कीन है,
एल्कीन में क्या होगा, ई को निकालेंगे तो यहाँ पे लगेगा वाई एल, तो इसका नाम रहेगा अल्कीनाइल, इसका नाम रहेगा अल्कीनाइल। चलो इसमें दिक्कत आ रही है वैकेंसी वाले में, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ सी एस फोर का, इसका एग्जांपल लेता हूँ सी एस फोर का। अब ये जो सी एस फोर है, इस सी एस फोर में देखेंगे तो यहाँ पे वन हाइड्रोजन, यहाँ पे सेकंड हाइड्रोजन, ये थर्ड हाइड्रोजन, ये फोर्थ हाइड्रोजन। अब आप मुझे बताओ इस कार्बन के पास कोई वैकेंसी है, यहाँ पे जो सी एस फोर है इसमें कार्बन के पास कोई वैकेंसी है? नहीं है। और जिसके पास वैकेंसी नहीं है वो स्टेबल है, जिसके पास वैकेंसी नहीं है वो स्टेबल है। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखता हूं, सेम स्ट्रक्चर, सही है। इसके पास कार्बन कितने हैं, एक, उसको डबल करेंगे तो हो जाएगा टू, प्लस टू कितना है फोर, इसका मतलब ये होना चाहिए एल्केन, इसके पास एक कार्बन है तो इसका नाम रहेगा मीथेन, इसका नाम रहेगा मीथेन। इसका मतलब ये AME है तो ये भी रहेगा AME, ये मीथेन, क्या होगा मीथेन, ठीक है। अब ध्यान रखना है हर एक चीज को। अब यहां से मुझे ये बनाना है तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल सेम है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, इसको हम कैसा लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे CH4, इसको लिखेंगे CH4। अब हम इसकी बात करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, CH3। क्या यहाँ पे कार्बन के पास वैकेंसी है? नहीं है, इसके पास वैकेंसी नहीं है और इसीलिए हमने सिंपली लिखा उसको। अब इसके पास देखो कार्बन ने तीन ही बॉन्ड बनाए, लेकिन कार्बन का वैलेंसी कितना है, कार्बन का वैलेंसी कितना है, चार। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन के पास एक वैकेंसी है और एक वैकेंसी होने की वजह से हम उसको सिंगल लाइन से शो करेंगे, इसको शो करेंगे सिंगल लाइन से, समझ में आ रहा है। तो इसको हमने लिखा CH4 और इसको हमने लिखा CH3 डैश। इस डैश का मतलब होता है उसके पास वैकेंसी है। ये मैंने क्लास में करवाया था ऑफलाइन में, चल आप लोगों ने ऑनलाइन वीडियो देखा नहीं होगा लेकिन ये ऑफलाइन में मैंने करवाया था, ठीक है। अब मुझे बताओ मैं यहाँ लिखता हूँ हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन अटैच टू डैश। आप मुझे बताओ इसमें कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है अभी के लिए, इसमें कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, दो। अब कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है तो इसके पास वैकेंसी कितनी है, दो। तो इसको लिखेंगे कैसा, इसको लिखेंगे CH2 अटैच टू वन वैकेंसी अटैच टू सेकंड वैकेंसी, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब जब हम इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका नाम भी चेंज होगा, क्योंकि ये वाला जो नाम है वो उस मॉलिक्यूल का है जिस मॉलिक्यूल की, जिस मॉलिक्यूल के पास वैकेंसी नहीं है, और इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा जिसके पास वैकेंसी है। तो वैकेंसी है तो उसका नाम कुछ और होगा, जिसके पास वैकेंसी नहीं है उसका नाम कुछ और होगा। तो यहाँ पे CH3 का नाम कुछ, CH4 का नाम कुछ और है और CH3 डैश का नाम कुछ और है। तो जब वो हाइड्रोजन को ट्रांसफर करता है या उनके पास कोई वैकेंसी बन जाती है तो उस वैकेंसी के वजह से उसका नाम जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो नाम चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो इफ वहां पे वैकेंसी क्रिएट होती है तो नाम चेंज होगा, समझ में आ रहा है। हाँ, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये रूल्स है, ये रूल्स है, हम रूल्स के हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, जब भी किसी एल्केन मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो साथ में आपको क्या करना होगा, उसका AME रिमूव करना होगा और उस AME के जगह क्या लगाना होगा, YL लगाना होगा। अब ये वाला जो है वो AME है, क्या है, AME, ठीक है, ये रूल है,
कि जब कोई एक हाइड्रोजन लूज करता है तो वो हाइड्रोजन के साथ साथ क्या चले जाएगा, AME चले जाएगा, क्या चले जाएगा, AME चले जाएगा। ठीक है, रिमूव करने के लिए कोई मेथड नहीं है, ये नाम को चेंज कर रहे हैं हम लोग, नाम को इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि इसके पास वैकेंसी नहीं है और इसके पास वैकेंसी है इसलिए। ठीक है, और साथ में वहां पे क्या लगाएंगे, YL, तो इसमें से AME चले जाएगा और यहाँ पे YL लगेगा, तो CH4 को क्या बोलेंगे, CH4 को क्या बोलेंगे, CH4 को बोलेंगे मीथेन और CH3- को बोलेंगे मिथाइल, क्या बोलेंगे, मिथाइल। समझा नहीं समझा, समझ में आ रहा है, मीथेन को मिथाइल में कन्वर्ट किया, मीथेन को मिथाइल में कन्वर्ट किया। अभी डाउट्स क्लियर हो गए, अभी डाउट्स क्लियर हो गए या मन में और डाउट्स है? देखो ये रूल्स है, हम रूल्स के हिसाब से जा रहे हैं, दिया अब ठीक है, समझा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, एल्केन से क्या बनेगा, एल्कीन से क्या बनेगा, एल्काइन से क्या बनेगा, ठीक है। ऋषभ, डबल डैश के लिए और ट्रिपल डैश के लिए आगे हम लोग देखेंगे, फिलहाल के लिए मैं सिंगल डैश ही बता रहा हूँ, मैं डबल डैश और ट्रिपल डैश को अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये मिक्स हो जाएगा। तो पहले हम लोग ऐसे ग्रुप्स देखेंगे जिनके पास एक ही वैकेंसी हो, समझ में आ रहा है, तो पहले हम उन्हीं को देखेंगे जिनके पास एक ही वैकेंसी रहेगी, एक से ज्यादा वैकेंसी को हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग उनको देखेंगे जिनके पास एक ही वैकेंसी हो, क्योंकि मिक्सअप नहीं होना चाहिए, इसलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, वो भी कंप्लीट करा के दूंगा। वैसे ही तीसरा जो हाइड्रोकार्बन होता है ये होता है अल्काइन, क्या होता है, अल्काइन। अल्काइन जब एक हाइड्रोजन लूज करेगा तो लास्ट में से ई चले जाएगा और वहां पे YL लगेगा, क्या लगेगा, YL। ठीक है, अब ई को रिमूव क्यों किया, AL को रिमूव क्यों किया, इसका कोई रूल नहीं है, ये इस नाम को इसमें कन्वर्ट कर रहे, इसमें याद रखना है, समझ में आ रहा है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई रूल या ट्रिक नहीं है कि उसको हम लोग ऐसा ही क्यों लिखा, ये आपको समझना है। सो ये बन जाएगा अल्काइनाइल, क्या बन जाएगा, अल्काइनाइल, समझ में आ रहा है, तो ये बनेगा अल्काइल, ये बनेगा अल्काइनील, ये रहेगा अल्काइनाइल, अल्कीनाइल, अल्काइनाइल, समझ में आ रहा है। इस प्रकार से एग्जांपल देख लेते हैं दो तीन, फर्स्ट वन हम यहां पे लिखते हैं C4, C5 लेता हूं मैं, C5H10, इसका नाम क्या होना चाहिए, C5H10 का नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए, एल्कीन, एल्कीन में कार्बन कितने हैं, एल्कीन में कार्बन कितने हैं, 5, तो इसका नाम होना चाहिए पेंटीन, इसका नाम होना चाहिए पेंटीन, सही है। मैं यहां पे लिखता हूं C5H9-, क्या लिखता हूं, C5H9-, क्या इसके पास वैकेंसी है, क्या इसके पास वैकेंसी है, नहीं, ये वैकेंसी नहीं है, लेकिन हम इसकी बात करेंगे तो इसके पास वैकेंसी है, कितने वैकेंसी है, 1, तो क्या करेंगे हम लोग, एल्कीन वाला है तो ई को निकाल के YL लगाएंगे, ये आपको याद रखना है, ई को निकाल के YL लगाएंगे तो इसका नाम बनेगा पेंटीनाइल, इसका नाम बनेगा पेंटीनाइल, समझा नहीं समझा, याद तक क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलो मैं दूसरा एग्जांपल यहां पर लिखता हूं, तब तक आपको आंसर निकालना है, ठीक है, तो सेकंड में यहां पर लिखता हूं C8H14, C8H14 इसका नाम क्या होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं जिसके पास वैकेंसी नहीं है,
हम उसकी बात कर रहे हैं जिनके पास वैकेंसी नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बोला है आपको चैट मेरे साथ ही करना है, आपको चैट मेरे साथ ही करना है, ओके। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बन 8, 8 के डबल 16, 16 माइनस 2 14, इसका मतलब अल्काइन आएगा। 8 के लिए क्या आता है ऑक्ट, तो ये रहेगा ऑक्टाइन, क्या रहेगा ऑक्टाइन, तो इसका नाम होना चाहिए ऑक्टाइन, ठीक है। एल्केन में एन ई को रिमूव करेंगे, ठीक है, और इन दोनों में ओनली ई को रिमूव करेंगे। देखो फर्क, यहां पे पूरा एन ई रिमूव किया है, इन दोनों में ओनली ई को रिमूव किया है, इस प्रकार से दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा। इससे मुझे बनाना है C8H13-, अब क्या करेंगे, लास्ट का ई निकाल के YN लगाएंगे, तो इसका नाम रहेगा ऑक्टाइनाइल, समझा नहीं समझा, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट वन नंबर 3, हम यहां पे लिखते हैं C3H8, इसका नाम होना चाहिए प्रोपेन, क्या होना चाहिए प्रोपेन। इसका वन वैकेंसी वाले का नाम क्या रहेगा, इसके वन वैकेंसी वाले का नाम क्या होगा, आपको चैटिंग एवरीवन में नहीं करना है, डायरेक्टली मेरे साथ ही करना है, मेरा पर्सनल आईडी। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, एक वैकेंसी वाला, एक वैकेंसी वाले का फॉर्मूला रहेगा C3H7-, और इसका नाम जो रहेगा ये रहेगा प्रोपाइल, नाम क्या रहेगा प्रोपाइल, समझा नहीं समझा, ठीक है। क्या इसमें कोई दिक्कत, एक बार इनको देख लो, कुछ डाउट्स है तो पूछो। दिया क्लियर हुआ, एल्केन में एन ई निकालना है, एल्कीन और एल्काइन में ओनली ई को रिमूव करना है, और वहां पे हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। देखो आपको अभी भी बोल रहा हूं मैं, ये एक साथ समझ में नहीं आएगा, उसको टाइम लगेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है, कंसेप्ट को पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं है, कि हमको समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो उसको, ध्यान रखो टाइम लगेगा, समझ में आएगा, ठीक है। और एक बार बेस क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इफ 9 होते हैं तो इसको लिखते हैं नोन, 10 रहेगा तो डेक, 11 रहेगा तो डेक अनडेकेन, ठीक है। चलो दो चार एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं, न्यू टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। 3 एग्जांपल हो गए, तो मैं चौथा लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं C8H16, नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ऑक्टेन, क्या होगा ऑक्टेन। इफ इसके पास एक वैकेंसी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इफ इसके पास एक वैकेंसी है तो फॉर्मूला क्या होगा और उसका नाम क्या होगा, फॉर्मूला और नेम दोनों, एक वैकेंसी वाले के का फॉर्मूला और नेम क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स हियर।
ओके हाँ, तो इसका फॉर्मूला रहेगा C8H15 डैश और इसका नाम रहेगा ऑक्टिनाइल। सही है गलत है? आपका भी यही आंसर आया है, मेरा भी सेम आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 यहां लिखता हूं मैं C9H16। नेम क्या होगा C9H16? रोहन आपका आंसर गलत है बेटा। चलो कार्बन कितने हैं? 9, तो इसका नाम रहेगा नोनीन। क्या नाम रहेगा? नोनीन। और इसका एक वैकेंसी वाला क्या होगा? इफ हम इसको 1 वैकेंसी के साथ करते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा और नेम क्या होगा? 1 वैकेंसी वाला, सॉरी इट मस्ट बी YNT। इट मस्ट बी YNT। चलो ये बन जाएगा C9H15 विथ 1 वैकेंसी और इसका नाम रहेगा नोन YNYL ऐसे। सही है? नोन नोनाइल नाम रहेगा नोनाइल। एकदम सही, वेरी गुड गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, हम यहां पे लिखते हैं C11H24। तो इसका नाम रहेगा अनडेकेन। इसका नाम रहेगा अनडेकेन। इसका 1 वैकेंसी वाला क्या होगा? C11H23 विथ 1 डैश। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम रहेगा अन काइल। सही है? यहां तक ठीक है? चले आगे, एक बार ये नाम मैं बोल देता हूं। नाम है मीथे, मीट, ईट, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स। 7 वाले को हेप्ट भी बोलते हैं और सेप्ट भी बोलते हैं, दोनों के दोनों सही है। किसी बुक में हेप्ट लिखा हुआ है, किसी बुक में सेप्ट लिखा हुआ है, बोथ आर करेक्ट। ऑप्ट, नोन, डेक, अनडेक, डोडे, अंडे, डोडे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां तक हमने इनका नॉमेनक्लेचर शॉर्ट में हमने देख लिया है। चलो आगे बढ़े, यहां तक क्लियर हो गया है? यस, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर ही है। 12th तक आएगा ऐसा नहीं है, इससे आगे भी आता है लेकिन उनका काम नहीं आएगा हमको, तो मोस्टली हमको 12th तक ही आ जाता है और इसलिए मैंने 12th तक का ही लिख के दिया है। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन में चेन मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन देखा था, रिंग मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन बाकी था, तो पहले हम उस क्लासिफिकेशन वाले को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन को पहले कंप्लीट कर देते हैं और ये देखेंगे उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो चेन का क्लासिफिकेशन हो गया था, रिंग का क्लासिफिकेशन बाकी है। हाँ, रिंग में ब्रांचेस हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, चलो तो कल हमने शुरू किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका डेफिनेशन मैंने बता दिया था, अब फिर से रिपीट नहीं करूंगा। इनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, एक को हमने बोला था चेन कंपाउंड और दूसरे को हमने बोला था रिंग कंपाउंड। इसको दूसरा नाम था क्लोज चेन और इसका तीसरा जो नाम था वो था साइक्लिक कंपाउंड। क्या कहेंगे? साइक्लिक कंपाउंड। सही है?
कौन सा कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड। हमें कैसे पता चलेगा उसके पास कितने वैकेंसी है? आगे जाके सब समझ में आएगा ग्रेसी, अब थोड़ा वेट करो, ठीक है? धीरे धीरे सब क्लियर होते जाएगा। ओके, ठीक है। रिंग मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। रिंग मॉलिक्यूल्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक को कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, एक को बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे को हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है? होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम आता है कार्बोसाइक्लिक, इसका नाम दूसरा नाम आता है कार्बोसाइक्लिक, ठीक है? तो सबसे पहले हमने इनको दो तरीके से क्लासिफाई किया, एक को हमने बोला होमोसाइक्लिक और दूसरे को हमने बोला हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है? मैं यहाँ पे दो तीन साइक्लिक कंपाउंड लिखता हूं पहले, उसी से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। पहली बार दिस वन, दूसरा और तीसरा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इसको हमने बोला ए, इसको हमने बोला बी और इसको हमने बोला सी। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन कितने हैं? सिक्स, तो दिस विल बी सी सिक्स। हाइड्रोजन कितने होंगे? नहीं, देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? दो। तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बाकी है? दो। तो इस कार्बन के पास दो वैकेंसी है, तो इसके पास रहेंगे दो हाइड्रोजन। यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो और यहाँ पे दो, तो हर किसी के पास दो दो हाइड्रोजन रहेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी 12। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12। ओके, अब मैंने आपको पूछा रिंग पे कितने एटम्स है, रिंग पे कितने एटम्स है, रिंग में कितने एटम्स है? देखो रिंग में कितने एटम्स है, इसका मतलब जब आप ऐसे घूमोगे तो रिंग के ऊपर एटम्स कितने मिलेंगे, कितने एटम्स मिलेंगे? सिक्स। रिंग के ऊपर कितने एटम्स रहेंगे? सिक्स। हाइड्रोजन जो रहेंगे वो बाहर रहेंगे, हाइड्रोजन जो रहेंगे वो बाहर है, हाइड्रोजन ऐसे बाहर है, ये हाइड्रोजन दो बाहर है, ये हाइड्रोजन, देखो सिंपल तरीके से कार्बन अटैच टू कार्बन अटैच टू कार्बन अटैच टू कार्बन, सिंपल। अब मैंने बोला यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, दिस इज वन हाइड्रोजन, दिस इज सेकंड हाइड्रोजन, दिस इज वन हाइड्रोजन, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखो अब मेरा क्वेश्चन देखो प्रॉपरली, मैंने आपको पूछा, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं Cl, यहाँ पे लिखते हैं OH और यहाँ पे लिखते हैं NH2, सही है? ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने बोला आप यहां से निकले, आप यहां पे पहुंचे, समझ गए मेरी बात? आप यहां से निकले, आप यहां से पहुंचे, आपको रास्ते में कितने एटम्स मिले, आपको रास्ते में कितने एटम्स मिले, मतलब जहां से आपने शुरू किया, जहां से आपने शुरू किया और जहां पे आपने स्टॉप किया वहां तक आपको टोटल कितने कार्बन मिले, जहां से आपने शुरू किया वहां से जहां तक आपने खत्म किया यहां तक टोटल कितने कार्बन मिलेंगे, जहां से स्टार्ट किया वो भी कंसीडर करो, जहां पे खत्म किया है वो भी कंसीडर करो, तो टोटल कितने एटम्स हुए, कितने हो गए? एक दो तीन चार, समझ में आ रहा है? तो ये आपका रास्ता है और रास्ते पे आपको कार्बन कितने हो गए? चार, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन ये है H जो है वो बाहर है, हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन रहेगा,
और जब हाइड्रोकार्बन रहेगा तो उसमें हाइड्रोजन को ब्रांच नहीं कंसीडर किया जाएगा, हाइड्रोजन को ब्रांच कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन को ब्रांच कंसीडर नहीं करते हैं, ओनली कार्बन के चेन को ही ब्रांच कंसीडर करते हैं। कार्बन है एक्स्ट्रा तो उसको ब्रांच कंसीडर किया जाएगा, कार्बन नहीं है तो उसको ब्रांच कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक टोटल कार्बन टोटल एटम्स हो गए चार। तो हम जो आ रहे हैं साथ में, जहां से शुरू किया जहां पे खत्म किया, उसके साथ साथ रास्ते में जो एटम्स मिले हैं उनको काउंट करना है, रास्ते के बाजू में जो है उनको काउंट नहीं करना है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन बाजू में है, ये बाजू में है, ये साइड में है, ये साइड में है, तो हमको साइड वाले एटम्स को काउंट नहीं करना है, हमको उनको काउंट करना है जो रास्ते पे मिलेंगे। अब देखो सिंपली यहाँ पे हर एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, दो। तो हर कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, दो। तो आप जब ऐसे घूमोगे तो आपको रास्ते में कार्बन मिलेंगे कि हाइड्रोजन, जब आप ऐसे घूमते जाओगे रिंग में तो रास्ते में आपको कार्बन मिलेंगे कि हाइड्रोजन, कार्बन मिलेंगे। तो आपको काउंट भी किसको करना होगा, कार्बन को ही काउंट करना होगा, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आप जिस रास्ते से जा रहे हो, रास्ते में आपको जो जो मिलते जा रहा है आपको उसी को काउंट करना है, बाजू वाले को काउंट नहीं करना है। अब मैंने बोला आपको रास्ते में कितने एटम्स मिलेंगे, सिक्स, और छह के छह कार्बन ही है। तो मैंने बोला रास्ते में टोटल एटम्स मिले छह, और छह में से छह के छह कौन प्रेजेंट है, कार्बन, छह के छह कौन प्रेजेंट है, कार्बन, ओके। अब इसमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, C5, ठीक है। और हर किसी के पास दो दो हाइड्रोजन होते हैं, तो हाइड्रोजन रहेंगे 10 और ऑक्सीजन रहेगा 1। अब मैंने आपको पूछा यहां पे तो रिंग में कितने एटम्स है, रिंग में कितने एटम्स है, कितने एटम्स है। आप यहां से शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6, तो रिंग में टोटल कितने एटम्स है, 6, सही है। उस 6 में से 5 जो है वो कार्बन है और 1 जो है ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहां पे जो ऑक्सीजन है वो रिंग में है कि रिंग के बाहर है, तो यहां पे रिंग में कार्बन के अलावा दूसरा एटम है, यहां पे रिंग में सभी के सभी एटम्स जो है वो कार्बन है। हम इसकी बात करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6H12O, सही है, ओके। अब मैंने पूछा इसमें रिंग में कितने एटम्स है, रिंग में कितने एटम्स है, तो रिंग में टोटल 6 एटम्स है और 6 के 6 कौन है, कार्बन, 6 के 6 कौन है, कार्बन, समझ में आ रहा है। तो 6 के 6 जो रहेंगे वो रहेंगे कार्बन, यहां तक क्लियर है। अब देखो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब, जिस साइक्लिक कंपाउंड में, डेफिनेशन समझ लो पहले, जिस साइक्लिक कंपाउंड में रिंग के एटम्स सभी के सभी कार्बन है उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक, ठीक है। यस दिया, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई है तो हम उसको ब्रांच कंसीडर करेंगे। अभी ब्रांच में आप कंफ्यूज मत हो, दिया इस कंसेप्ट की तरफ ध्यान दो, आप ब्रांच में कंफ्यूज मत हो,
ठीक है ना। देखो होमोसाइक्लिक का मतलब होता है जिस साइक्लिक कंपाउंड में रिंग के सभी एटम्स कार्बन है उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। रिपीट करता हूं मैं, जिस रिंग में सभी के सभी एटम्स कार्बन ही होते हैं उसको बोलेंगे हम लोग होमोसाइक्लिक। रिंग के बोला है, रिंग के बाहर के नहीं। और जिसमें रिंग के सभी एटम्स कार्बन नहीं होते हैं, रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, दूसरा एटम प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलेंगे हेटरोसाइक्लिक। समझा नहीं समझा? जिस साइक्लिक कंपाउंड में सभी के सभी एटम्स कार्बन के ही होते हैं उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक, और जिसमें डिफरेंट एटम्स रहेंगे कार्बन के अलावा उसको हम बोलेंगे हेटरोसाइक्लिक। समझा? यहां तक क्लियर है? ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या रहेगा, जिसमें सभी के सभी सेम टाइप के रहेंगे, इसमें सभी के सभी सेम टाइप के नहीं रहेंगे। अब देखो ए में रिंग के सभी एटम्स सेम टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं? रिंग के सभी एटम सेम टाइप के, डिफरेंट टाइप के। इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा ये बन जाएगा होमोसाइक्लिक। क्या बन जाएगा? होमोसाइक्लिक। समझा? बी में रिंग के सभी एटम सेम टाइप के हैं कि डिफरेंट टाइप के हैं? यस, इट जस्ट लाइक होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस दिया, वेरी गुड, सही है। जस्ट लाइक होमोजीनियस हेटरोजीनियस दिया, गुड। तो इसमें सभी के सभी सेम टाइप के नहीं है, डिफरेंट टाइप के है, तो इसको हम बोलेंगे हेटरोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे? हेटरोसाइक्लिक। ठीक है, इसमें देखो ये क्या होगा, होमोसाइक्लिक हेटरोसाइक्लिक। इसमें रिंग के सभी एटम्स जो रहेंगे वो कैसे है, सेम है, और जब सभी के सभी एटम्स जो रहेंगे वो सेम रहेंगे तो इसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। ओके, चलो। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अभी भी होमोसाइक्लिक और हेटरोसाइक्लिक समझ में नहीं आया? इफ है तो ना, अभी लिख के भेजना है, डाउट है। जिनको समझा है वो क्लियर लिखेंगे, जिनको ये दोनों नहीं समझे हैं वो डाउट करके लिखेंगे, फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं जल्दी। जिनको समझा है वो क्लियर लिखेंगे, जिनको नहीं समझा है वो डाउट लिखेंगे। चलो देखो डेफिनेशन क्या है, जिस साइक्लिक कंपाउंड में सभी के सभी एटम सेम है, नॉर्मली कार्बन होता है इसमें कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, रिंग के सभी रिंग के बोला है, रिंग के बाहर के नहीं, ठीक है। और इसमें रिंग में सभी के सभी एटम सेम टाइप के नहीं रहेंगे। लास्ट वाले में देखो, यहां पे रिंग में कौन कौन है, पहले जो एटम्स रिंग में है उसको काउंट करते हैं, ये कार्बन 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 और कार्बन। यहां पे ऑक्सीजन जो है वो रिंग में नहीं है ऋषभ, यहां पे जो ऑक्सीजन है वो रिंग में नहीं है। रिंग में जो एटम्स है, मतलब रिंग से जब घूमेंगे तो हमको जो एटम्स मिलेंगे वो छह एटम्स मिलेंगे, और छह के छह एटम्स कौन से हैं, सेम टाइप के हैं। देखो ये सभी कार्बन है, और ये सभी के सभी कार्बन है, मतलब सभी के सभी सेम टाइप के हैं। तो इफ ये रिंग के सभी एटम्स सेम टाइप के होते हैं तो उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। नॉर्मली कार्बन होता है इसलिए कार्बोसाइक्लिक, और डिफरेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग हेटरोसाइक्लिक। अब क्लियर हुआ? कुछ दो चार लोगों ने डाउट्स लिखे थे, अब क्लियर है? ऑप्शन सी में नहीं। देखो इसके पास दो हाइड्रोजन, यहां पे दो हाइड्रोजन, यहां पे दो, यहां पे दो, यहां पे दो, यहां पे एक, और ये एक, ठीक है। दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो दस, एक ग्यारह और एक बारह, सही है। ओके चलो, ये था नेक्स्ट एग्जांपल।
आपको ये बताना है वो होमोसाइक्लिक है कि हेटरोसाइक्लिक है। ठीक है हाँ चलो हो गया आपका, बाकी है सॉल्व करके हो गया बाकी है। चलो मैं आंसर लिख देता हूं ठीक है। मेरे हिसाब से दिस विल बी होमोसाइक्लिक, दिस विल बी हेट्रोसाइक्लिक, दिस विल बी हेट्रोसाइक्लिक, दिस विल बी होमोसाइक्लिक, दिस विल बी होमोसाइक्लिक, दिस विल बी हेट्रोसाइक्लिक, दिस विल बी होमोसाइक्लिक। इज इट करेक्ट? सही है, बहुत इजी है। चलो अच्छी बात है, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, चलेगा? ओके इजी है, आगे जाके काम आएगा थोड़ा सा ठीक है। अब देखो हमने इसको हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोला, हमने इसको हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोला, क्यों बोला? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां पे जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन की वजह से हमने इसको हेट्रोसाइक्लिक बोला है, और यहां पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इस नाइट्रोजन की वजह से इसको हेट्रोसाइक्लिक बोला है, तो इस नाइट्रोजन को बोलते हैं हेट्रो एटम। क्या बोलेंगे? हेटेरो एटम। समझ में आ रहा है? तो नाइट्रोजन की वजह से उस रिंग को हमने हेट्रोसाइक्लिक बोला है, और इसीलिए उस नाइट्रोजन को हम बोलेंगे हेटेरो एटम। क्या बोलेंगे? हेटेरो एटम। इसका मतलब रिंग में कार्बन के अलावा दूसरा कोई एटम होता है तो उस एटम को हम बोलेंगे हेटेरो एटम, और उस साइक्लिक कंपाउंड को बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। सिंपल। क्या बोला मैंने? रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होता है तो उस एटम को बोलेंगे हेटेरो एटम, और उस रिंग को हम बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक रिंग। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके।
अब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल हेट्रोसाइक्लिक क्यों है, ये हेट्रोसाइक्लिक किसके वजह से है, ऑक्सीजन की वजह से है। तो यहाँ पे जो हेट्रो एटम रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑक्सीजन, कौन सा रहेगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कोई हेट्रो एटम है नहीं है, क्योंकि ये वाला जो रिंग है वो हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, यहाँ का जो रिंग है वो होमोसाइक्लिक है। समझ में आ रहा है, चलो इसकी बात करते हैं। ये होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक, ये वाला हेट्रोसाइक्लिक है, तो ये F वाला जो रहेगा वो हेट्रोसाइक्लिक है। तो आप मुझे बताओ इस F में हेट्रो एटम कौन कौन है, तो यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो दो हेट्रो एटम है, उसमें से एक जो रहेगा वो ऑक्सीजन और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा नाइट्रोजन। तो लास्ट वाले में एक नहीं बल्कि दो दो हेट्रो एटम है। समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है, डन। नहीं रेशा, दोनों के दोनों हेट्रोसाइक्लिक ही रहेंगे, एक भी हेट्रो एटम होता है पूरे रिंग में तो पूरे मॉलिक्यूल को हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। पूरे मॉलिक्यूल में एक भी हेट्रो एटम होता है तो पूरा मॉलिक्यूल, पूरी की पूरी रिंग जो रहेगी वो हेट्रोसाइक्लिक कंसीडर किया जाएगा, ठीक है रेशा, ओके है। चलो और कोई डाउट है तो पूछो। दोनों को रिंग कंसीडर करेंगे, दिया आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मुझे,